मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में आपको मुफ्त इलाज तो मिल जाता है लेकिन मुफ्त पार्किंग नहीं मिलती। कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने पार्किंग फीस का तायुन किया था लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हम इजाफी फीस ही दे रहे हैं। खैर, इन बातों से दिल छोटा मत कीजिए। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इन्हीं अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर्स पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि हमारे सियासतदान उनसे इलाज नहीं करवाते। ऐसा नहीं है कि हमारे सियासतदान पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं करते, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि डॉक्टर लंदन में प्रैक्टिस करता हो। हमारे हॉस्पिटल्स में हमेशा कैपेसिटी से ज़्यादा मरीज़ होते हैं, उनका इलाज करना, उन्हें हैंडल करना ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से निमटना हमारे डॉक्टर्स की हिम्मत है। आइए चल के देखते हैं कि हॉस्पिटल में आज क्या हो रहा है। बाबा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आपका यह हाथ अभी जिंदा है, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं अस्पताल को आग लगा दूंगा। आपके जज्बात को मैं समझती हूँ लेकिन ये डॉक्टर साहब हैं कहाँ? उसी का तो इंतजार कर रहे हैं, अगर मेरा बाप को कुछ हुआ। बाबूजी, ये कॉमन बाबूजी, बाबूजी होश कीजिए बाबूजी। बंद कर दो, बंद कर दो लाइटर, बंद कर दो बल्ब। क्या हुआ बाजी? गरीबा तो सफेद पोशा दे खून चूसने लिया, इन्हें कातल लाइटर बंद कर दो। इन्हें क्या हुआ, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? कुड़िए, ट्यूब बंद करके तू भी करना से अपने बंद कर जा, गड्डी दी लाइटर में जलाई। बाबा होश करे, आपको कुछ नहीं होगा। देवल बेटे, अंधेरा कर दो, अंधेरा कर दो। देवल नहीं बाबा, मेरा नाम खरी है बाबा। अंधेर पा दियो थे, अंधेर पा दो। छुप जाओ तारियो पा दियो हलेर, ऐसा इस बाप दादी वेखड़ी नहीं सवेर। ये बिल की वजह से परेशान है। दरअसल मेरे बाबा को आज ही लेस्को वाले ने इतना हैवी बिल भेजा। बिल देख के मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ। कितना मिला है? 1,25,000। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि हम अयूबिया बंदर देखने जाएंगे, लेकिन जब बिल आया तो बिल देख के एक ही बात कहने लगे, आए बिल, बिल दाम बिला, आए बिल। इतना ज्यादा बिल आया कि आपको हार्ट अटैक ही आ गया? तीन मरले का करते 1,25,000 बिल। एक महीने का नहीं, एक सदी का। एक महीने का मैडम, एक महीने का। तो तीन मरले के घर में फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत थी? मैडम, तेरे सिर से कोई बाला तो नहीं बचा। क्यों? कोई मशीनरी चल सकती तीन मरले के घर? तो किस तीन मरले का सवा लाख बिल आता है? और तुसी भी पाकिस्तान च रहंदे हो, कोई फ्रांस ते नहीं रहंदे? तुहाडा इस महीने का बिल किन्ना आया? आ जाता है 50-70,000, मगर इतना तो नहीं आता। ओए, मैनूं कुछ होण तों पहले मेरी वसीयत सुन लै। क्या बाबा? मेरे बात अपनी भैण का विआह कर देवी, ते जिस घर विआह करे जाके वेखिए ते घर तों बिजली दीआं तारां वी ना लंघ रहीआं। ये तो ऑब्वियस सी बात है बाबा, ये मेरी गुड़िया है, लेकिन गुड़िया को विदा करने से पहले मैं बाबा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बाबा, बाबा तुम कहो तो ऐसी चलाए, तुम कहो तो ऐसी बंद करें, तुम कहो तो पंखा चलाए, तुम कहो तो मोटर बंद करें। मेरी बात सुने, वालिद साहब आपके बीमार पड़े हैं और आपको एक्टिंग की सूझी है? ऐसी बात नहीं मैडम, जिसका बाप बीमार होता है मैडम उसी के दिल पे छुरियां चलती हैं। यू सो फिल्मी, वाए बाबा वालों। ये जितना चीख चीख के बाबा वालों को बुला रहे हो ना, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आ जाएगा, लेकिन मुझे मेरी बात पूरी करनी है। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे वालिद को बचा लो डॉक्टर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, गटर साफ कर कर के उसका आकार बदल देता है। ये खून पसीने की कमाई है, हडर हम वो होता है जिसके नलकों में पानी भरा होता है। शेर बनने का इतना शौक है तो बाप का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों से मेरा वादा है। क्या कह रहे हो? क्या बात तुझे वो मार दूंगा। एक मिनट पुत्र, मैं डैनी दे अस्पताल दाखिल हो गया। ये आपका बेटा ही सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है। मैडम, शोर मचाने की बात नहीं, अगर मेरे बाप को, तेरे बाप को क्या कुछ होगा? जब तक तू लगा तेरे बाप को एक लाफ्टर नहीं हुआ। जब मैं वापडे वाले के पास डेट लेने जाता बस वो कहते थे अगली तारीख, अगली तारीख नहीं बाबूजी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना शोर आप मचा रहे हैं ना, उनको हार्ट अटैक नहीं भी हो ना तो हो जाएगा अभी। मेरे बाप का दिल मजबूत है। जब तो तेरी घातक मुक जाए ना तो मैनू उठा ली है। पांच छह डायलॉग उस चुप पागनी होया तेरे प्यो नू? कुछ नहीं पुत्र, खुरम दस्तगीर की गड्डी च वजा मैं। बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर कहाँ है? और डॉक्टर साहब कोई सीरियस ऑपरेशन करने गए ने। ले फिर वो को निगरान वजीर आजम लभ रहे। ए हार्ट अटैक किवें होया इन्हां नूं? ए जिवें जुलाई दा बिल आन तों बाद तैनूं होणा।
परेशान ना वो डॉक्टर साहब आने वाले नहीं। कब आएगा डॉक्टर? अभी आएगा। आराम कर, इधर आ जाओ। उतर। ओए होए होए। डॉक्टर साहब इधर ज्यादा इमरजेंसी है, इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। ओए एक मिनट ठहर जाओ, छोड़ दो। डॉक्टर मेरा बाप मौत के मुंह में। एक मिनट भाई, एक मिनट ठहर जा यार। ए मालिक ने की इज्जत दी है कि मैं तो उसका शुक्र दा जीना करा ओना काटे। ये कौन है? ए बिना जी ऑपरेशन किया हैगा, तुसी यकीन जानो ऑपरेशन थिएटर दे विच एकदम ऑपरेशन कर रहे सी ते लाइट चली गई। फिर की होना सी? उन्होंने कहा जनरेटर चलाओ। फिर ओ कहंदे जी जनरेटर दे विच डीजल ही नहीं हैगा। फिर ओहो शबनम जी, डॉक्टर साहब भाई इन्हें जिस तरह मेरा साथ दिता ऑपरेशन थिएटर दे विच। कैसे किया? टॉर्च नाल किया है। ओए टॉर्च नाल इस बंदे दा गुर्दा चेंज किया है। तुसी यकीन जानो ये मेरा मालिक इस तरह देने वाला है, मैं कौन हां? मैडम दस सकते हो क्या इतने घातक और थ्री इडियट की कास्ट फिर नहीं है? एक मिनट बेटे, क्यों है ना? डॉक्टर साहब इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ। तेरी मेहरबानी मैंने बैटरी से कर दे। एक मिनट टेंशन ना लो, तुम्हारी बैटरी से कर दे, मैंने बिजली को नफरत। देखो सर तुम जेहन चु ना जनरेटर कडो, तारा कडो, ट्रांसफार्मर कडो, तुम्हारे दिमाग में टेंशन रही है वापडा की। की मसला की बनया? मैं बिजली का बिल ज्यादा आ गया था, दिल पे ले गए। हाँ जी बिल कितना आया? 1,25,000। मैं देखो वाल सामू ना 5-7 दिन इतने रहना पैना, जरा सिर सीधा कर लो, टेंशन ना लो। लो हूँ सिर ना, दुआ की जरूरत है, दुआ करी जाओ नाल नाल। आपने जवाब दे दिया ला इलाज? एक मिनट ला इलाज नहीं है, मैं तुम्हें दसिया ठहर जाओ, घबराया एक मरीज वेखो तो सही। मैं हूँ ऑपरेशन करके आया, थके हैं बंदा। एक तो इतना रिस्की ऑपरेशन किया आपने, मतलब टॉर्च के साथ और फिर वॉक करवा के ले। दाद ना देना कि डॉक्टर साहब वेरी गुड कि तुसी इतनी एमरजेंसी से ऑपरेशन करता है। मेरा तो तारीख दे सुनहरी हरूफ ना नाम लिखा जाना चाहिए तो तुसी फौरन सोयल बड़ा बन गया। आप इनको वॉक कराते लाए हैं क्या? ये खुला एतराज नहीं है। आपका मरीज जिंदा है या मर चुका है आपका मुआसबा होगा। आपको पता है यहाँ एक बंदा बिजली के बिल की वजह से हार्ट अटैक में पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब अगर मैंने कुछ हो गया। हाँ जी। निकोला टेस्ला नहीं जिन्हें बिजली याद की थी? निकोला टेस्ला का क्या कसूर? मेरे कत्ल का पर्चा उत्ते भी देना। तुसी ना टेंशन ना लो, मैं उन फौरन कह देगा निकोला निटोला निटोला। निकोला टेस्ला तो इस दुनिया में नहीं रहे, किसी और को नॉमिनेट कर दे। बिजली तो उसी ने बनाई है ना। मेरी निकोला टेस्ला बनती नहीं, मेरी वडला टेस्ला ना बनती है। पर वजीरे बिजली तो परचा दे दी, जो मौजूदा हुकूमत का वजीरे बिजली है तो जो निगरान चाहेगा दोवें तो परचा दे दी। निगरान जो उन्हें ना ही फाइनल नहीं है, मैं उन्हें क्यों परचा दे दिया? नाम लूंज पा दे उन्हें। बाकी चेक करें कि मरीज गुजर तो नहीं गया। आपका कुछ मसला है? बेहोश ने हूँ ऑपरेशन गुर्दा कटे है, गुर्दा कट के आते आने वहीं करके आते। आ हो गया तू इंजेक्शन लाया बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट दे सर मेनू। डॉक्टर साहब मेनू कुछ हो गया तो मेरा चाचा है, अपने चाचे मुनीर ते परचा देना ही होने जायदाद चो हिस्सा भी ले लिया, उन्हें मैंने बिजली का मीटर लगा के देता। अच्छा आप बातें किए जा रहे हैं, तसल्लियां दे रहे हैं कि दवा भी दे दे उन्हें। एक मिनट ठहर जाओ, तुम्हारा कोई मसला है? डॉक्टर क्या मेरा बाबा ठीक हो जाएगा ना? उन्हें ना कि मैं ठीक हो जाएगा, इन्हें मैं ओवरलैप ही करना रहा है। सरिंजा कितने ने? इतने ही पई हैं सर। जानी पुत्र पिछला वार्ड जाके साफ कर दो। जी ठीक है सर, जल्दी जा। ओके डॉक्टर इधर आओ, मैनू लग रहा है तू अपने प्यो दे ना बहुत टेंशन ली है। बहुत ज्यादा डॉक्टर। नहीं मैं बेटे दी ज्यादा टेंशन ले। आज पता की गल है, जी मैं खुशी इस बंदे दे ऑपरेशन दी है ना। नजम सेठी साहब दी इन्हों दा परचा सरकार शरफ ते कराना। ओ सारे ओ नहीं हैगे, इत्थों मैं वेख रहा मैनूं तो ही लग रहे ने। बेटा फौरन जाके जाना ना, अभी लाया ए दवाइयां लैके पुत्र, ए दोहा तो मिलनियां ने। परेशान नहीं डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे मेरे बाबा की हालत बिगड़ती जा रही है। एक मिनट टेंशन ना लो, फाइनली तो कर रहे हैं। ओए होए कौन सा इंजेक्शन दिया आपने? इन्हें गनूदगी आएगी,
इन्हां दी अक्खां दे अगे जिहड़ा बिल है ना वो हटदा जाएगा हौली। वैसे हमारे सरकारी हस्पतालों का यही हाल है। टांक में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर मरीजों के लिए इमरजेंसी में सिर्फ एक ही सहूलत मौजूद है, वो है पेन किलर। इसके अलावा कुछ भी नहीं। और टांक को जिला बने हुए 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, इधर भी वही सूरत हाल है। पर मुझे गुनोदगी से याद आया ना, ऑपरेशन थिएटर में तो कोई बेहोश करने वाली दवाई भी थी ना, और फिर डॉक्टर साहब ने जिस तरह से मरीज को बेहोश किया ना, बड़ी मुश्किल थी, गर्दन दबाई है मैं, बेहोश ही नहीं सी हो रहा। आपने एनेस्थीसिया के बगैर रस्सिया तो दोनों लेट गई सी। डॉक्टर साहब मरीज बेहोश कर रहे हैं, डेंट कटने वाली थोड़ी रख लो। क्या कह रहे, मुझे तो फिक्र हो रही है, वो गुजर तो नहीं गया। कौन गुजर गया है, वो देख ले, चेक करो नो, नब्ज तो चल रही है। नब्ज तो चल रही है ना डॉक्टर साहब। हाँ जी, ओ गाना सुना सकते हो? केड़ा जी? बत्तियां बुझाई रखदा दीवा भले सारी रात। इस पहले तो बिल ना आया? नहीं पाजी, पहले नहीं सी आंदा, जिधर इन्होंने आई एम एफ दियां मिठाइयां मंडियां ने। हाँ जी, उस तो बाद साढ़े घर फूड़ियां विछिया ने। वो तो वजीर आजम साहब ने कह दिया था ना कि IMF की जो शरायत है वो इतनी कड़ी शरायत है, तो मजबूरन हमें बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा। जे पैसे लेने ना ये लाओगी, ये भी ज़हन बनाओ किसी लाने ने। और जिन्ना ले ने वो लान के 75 साल तो उसी लाई जाने ने। दिन रात मेहनत करो, मुल्क का साथ दियो चाचा जी। किन्नी बारी साथ दिता, कर्ज उतारो मुल्क सवारो। यस। और किन्नी बारी साथ दिता, डैम बनाओ अंधेरे मुकाओ। और होर किन्नी बारी साथ दईए, इस बार थोड़ी हिम्मत कर लो, इंज उतर जाने पैसे, ये तुसी लाने ने। ओए नहीं उतरने हो भाई पैसे। तो तुसी में आप शामिल नहीं है? सारे असी, सारे गरीबां ने मेहनत करिए सारे। कैसे क्या साथ दईए मुल्क दा? और डॉक्टर एक मिनट ठहर, जो मेरा मरीज मेरे ख्याल इस टाइम फौत तो नहीं हो गया? चकूर और नहीं, चकूर तू मेरे छड़ के नहीं जा सकता, चकूर तू मेरे पैसे देने ले, चकूर उठ उठ। क्या बात है, उठ नहीं दिया बच्चा, उठ जिंदा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक। देखा डॉक्टर, और तेरे टीके शफा नहीं, तेरे थप्पड़ च शफा है। डॉक्टर डॉक्टर, ही इज बैक। पूरे शहर में दवाई नहीं मिल रही डॉक्टर, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? एक मिनट, मेरे ख्याल तेनू बच्चा समझ के नहीं दी उन्होंने। वो कह रहा है कि बगैर पैसे के दवाई नहीं दूंगा। ये पैसे लेके नहीं आया आप इलाज के लिए वाले? जल्दी जल्दी में हमें क्या पता, हार्ट अटैक में कौन पैसे रख के लाता है। ये लवाई की फोन करता सी? हाँ पापा हाँ। चलो शुक्र है, मैं कहना कि वो आन उन्होंने मरीज उन्होंने हवाले करिए। डॉक्टर साहब, अब्बू अब्बू आप ठीक है ना? अब्बू लवाहे की? डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, और नहीं की लोड़ सी लिया दी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सिस्टर ही मिठाई। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बस बस ये बस अल्लाह का कोई करम ही होया, बैठो तशरीफ रखो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आओ बस, वो देखो शिफा तो मेरे अल्लाह ने देनी होंगी, मेरी तो एक कोशिश थी। आ मेरी फिक्की औलाद नू बाहर खड़ दे, वो वेख ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓਲੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਅਬੂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਹਾਰਿਸ। ਆਪਕਾ ਹਾਰਿਸ ਅਬੂ? ਹਾਰਿਸ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਜਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੇ ਸਿਵਾ ਔਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟੇ? जी अबू दर्द हो रही हल्की हल्की। कहाँ अबू कहाँ? नहीं वो देखो ऑपरेशन होया ना। हाँ। तो दर्द तो हल्की की तो होएगी। ए डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी। ए सेट तो हो रही है। ए सेट तो होनी तो नहीं चाहिए थी, ये सेट तो क्यों हो रही है? ना हो रही है। डॉक्टर साहब क्यों तकलीफ हो रही मेरे बाप को? आपने राइट किडनी का ऑपरेशन किया या लेफ्ट? मैंने जहाँ की ऑपरेशन किया ना, मुझे पता है आप बीच में अपनी ऑपरेशन ना घुसेड़े। डॉक्टर साहब मेरे अबू को तकलीफ क्यों हो रही? डॉक्टर साहब देखो 2 घंटे पहले ना ऑपरेशन होया है, वो तकलीफ जड़ी ना वो तो होंगी है। डॉक्टर मेरी तकलीफ बात दी जा रही है। डॉक्टर साहब मेरे बुको तकलीफ क्यों हो रही? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब दवाइयां मैं ले आती हूं, बस अब्बा का इलाज शुरू कर दे। 2 घंटे बाद तुम्हारे वाल साहब का ऑपरेशन है। ठीक है शबनम, मैं समझ नहीं आती कि मंडे वाले दिन इतने हार्ट पेशेंट क्यों आते हैं? ओहो ये वजह समझने से तो साइंसदान भी कासिर है। बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ये बात सामने आई है कि जो हार्ट अटैक होता है दिल का दौरा, वो मोस्टली मंडे के दिन ही पड़ता है। शायद इसकी बड़ी वजह ये हो क्योंकि मंडे के दिन जो वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, प्रॉब्ली दैट कुड बी द रीजन। नहीं नहीं मेरे ख्याल से इतवार वाले दिन ज्यादातर लोग दिल टूटते होंगे ना। डॉक्टर मैं अपने बाप का सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन मेरे बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। लानत है तेरे ते फिर हार्ट अटैक ते हार्ट अटैक, मेरा ही बेची सारा कुछ। बाबा मैं आपका हाथ हूँ, आपका बाजू हूँ। सारी जिंदगी मेरा कितने अच्छी जगह हाथ नहीं पिया।
डॉक्टर डॉक्टर साहब प्लीज चेक कीजिए डॉक्टर साहब प्लीज ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨਾ मतलब मैं ठीक सी ये नुकसान होता है गलत डॉक्टर के पास बताइए क्या किया इन्होंने उन्होंने मैं बताता हूँ आपको पता क्या मसला है क्या ये डॉक्टर मैं दसना अक्सल में इन्होंने जो सही तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਓਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੱਢੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਪਾਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੂਟੀ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ बेटा टेंशन ले मैं तेरे मुंह दुनिया चू कट देंगा ये शख्स तेन टेंशन देता मैं पता है इन्हें इतने तेन कभी चंगे कपड़े नहीं लाते बाबा ये अपना तुम ऑपरेशन लिए तैयार हो जाओ आओ जी ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटर जी हाँ जी मैं ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना मैं अल्फला थिएटर चला जाऊंगा यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद स्टे विद अस वेलकम बैक टू मस्तियां वैसे आवारगी को हमने एक गाली टाइप चीज बना दिया है लेकिन अगर इसके पीछे मस्बत सोच हो तो आवारगी बड़े काम की चीज है अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि दुनिया के बड़े बड़े खित्ते हत्ता के सुपर पावर तक आवारा लोगों ने ही दरियाफ्त किया था भाई बंदे का लेवल होना चाहिए जब आप सारा सारा दिन बाहर घूमेंगे और उसके बाद शाम को घर वापस आएंगे तो ना सिर्फ बाप से छितर पड़ेंगे बल्कि आवारगी का खिताब भी मिलेगा और अगर आप कई कई महीने बल्कि साल हा साल जब बाहर रहेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो ना सिर्फ लोग आपकी बातें सुनेंगे बल्कि आपको सयाह का खिताब भी देंगे और ऐसी ही एक शख्सियत थे इब्ने बतूता जिन्हें सफर का शौक हुआ तो पूरी जिंदगी सफर में ही गुजार दी आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितने मुल्क देखे और वहां क्या क्या देखा हमारे साथ डमी स्टूडियो में मौजूद हैं इब्ने बतूता वेलकम टू मस्तियां बतूता इब्ने बतूता बतूता इब्ने बतूता छोटी होगी मुर्गी वड्डा हो गया चूचा इब्ने बतूता बतूता इब्ने बतूता सच्चे इत्थे रोंदे फिरदे सच्चे इत्थे रोंदे फिरदे राज करेगा झूठा हाय इब्ने बतूता बतूता इब्ने बतूता हेलो अगर तुम सारे कर लेंदे ना जाओ तो सुख हो जाना मैडम इब्ने बतूता या नवा पागल भर्ती किया जो बंदा शेव करा के रहा पैसे मेरे जवाई के खाते च लिख ले ये इतनी दुनिया का आपने सफर करके ये सीखा है मैं बड़ी दुनिया देखी मराको मेरा देश मेरा वतन मेरी कंट्री मराको दे रहने वाले लोग इतने खूबसूरत ने और पिछे जो बंदा बैठा ना इस रंग की किसी बंद चंडी नहीं पैंती उसे अच्छा इब्ने बतूता ये बताइए कि कितने मुल्क घूमे हैं आपने ये तो डॉन को याद ही नहीं मगर जिन्हें तुहाडे मौजूदा वजीर खारजा ने मुल्क फेरे ने ना ओदे तो इब्ने बतूता ने काटी फेरे ने ओए होए चलो किसी ने आपको मात तो दी वजीर खारजा तुहाडा आंदा तो उन कहंदा जहाज तो मैं फिर जाना है जहाज वाले ने कहा भी जी जहाज का फिल्टर तेल चेंज होना ना कोई गल नहीं दुबई करा लांगे अगे निकल जाएंगे ये आपके बारे में कहा जाता है कि आपने 44 मुल्कों का सफर किया और तकरीबन 75,000 किलोमीटर था वो ये जो 75,000 किलोमीटर का सफर आपने तय किया था इसका जिक्र आपने अपनी बुक रियाला में भी किया था ये सच्ची मुझे आपने 75,000 किलोमीटर तय किए थे या फिर मीटर पीछे कर दिया था
उदो मीटर पीछे नहीं सी होंदे अग्गे ही होंदे सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए भाई साहब, 40-45 एक करके मेरे को 35 गल्ला पूछ लेनी है। इहो जे सुपर बन गए मैं कपड़े पर धोन लई देते ने। आपके बारे में ये भी पढ़ा है कि आप बहुत छोड़ते थे। नहीं छोड़ता तो मैं किसी को नहीं था। गप्पे आप गप्पे हांकते थे अपना तूता साहब। देखो तूता नु गुइरा वाला समझ नहीं। इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी। शुक्र है पैसे हलाल होने लगे ना। अपना बेतहाशा फजूल जवाना। के ये बंदा ना घोड़े के साथ अपने आप को बांध लेता था, यानी कभी बुखार हुआ या सो गए तो घोड़ा चलता जा रहा है ताकि सफर में कोई रखना अंदाजी ना आए। इब्ने बतूता, बतूता, इब्ने बतूता। ओए इब्ने बतूता नहीं हैगा, इलाकाई डांसर है। इलमास बतूता ना है दा। इब्ने बतूता आप मुझे ये बात बताएं कि आपसे सदियों बाद कोलंबस ने अमरीका दरियाफ्त किया था तो आपको क्या मौत पड़ी थी, आपने क्यों नहीं किया? इब्ने बतूता, बतूता, इब्ने बतूता। बताइए लेके जाएगा। अच्छा कभी सफर के दौरान, क्योंकि आप लंबे लंबे सफर करते थे, आपके घोड़े ने कभी शिकवा किया, कभी देखा मुंह बना लिया, कोई ऐसी नजरों से देखा? राज लभी जे तेरे को तेरा तलफज ना हो तू टगे दा बंदा नहीं। तो मैं बादशाह ने कोल जाके 5-10 दिन स्टे करना, महीना मैंने स्टे करना, फिर बादशाह ने आने लगे मैं तोहफे देने। और वो तोहफे आपने बेच देने? उदो केड़ा कोई तोशा खाना हुंदा सी। इतने कीमती तोहफे आपको मिलते थे, आपको रखने चाहिए थे ना अपने पास, आप बेच देते थे। मेरे बजे हाथ वेखो मैनू उन्हां तोहफिआं च हुण ना सजा दवा देना। तुहाडे वल ते हुंदी वी सालां दी सूरत च। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਇਮੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੱਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੇ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੁਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋਂ ਕੋ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਲੂਟਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਉਨਕੋ ਨਕਲੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸੁਨਾਤੇ ਥੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਤੇ ਸੁਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਨਾ ਕੇ ਲੂਟ ਲਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਕੀਮ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ। चीन का सफर आपने किया था, वो कैसा था? वाह वाह वाह, जैकी चैन मुंडा है फिल्मा च। ओदा दादा मेरा यार सी। ओए होए अच्छा, जैकी चैन। हां उन्होंने मैं दुआ दी थी, मैं कहा तेरा एक पोता आएगा, तेरा बड़ा नाम रोशन करेगा। ओदो चीन च फिल्म खादी जांदी सी। हां जी, हर पासे फिल्म ही फिल्म सी। ओए ओते फिर मैं जब गया वा जैकी चैन दे दादे नु मैं मिलया, 5-7 दिन मेरी बड़ी खिदमत, क्या आख्या ने, मैनू सूप पिया, चाइनीज खाने खवाए ने। नहीं तो आपको अफ्यून वाला सूप नहीं पिलाया उन्होंने? सिर्फ एक गल करके तुसी ना अपनी तनख्वाह जड़ी है ना क्लियर कर लेंदे। नहीं नहीं उस वक्त रिसर्चर ना होता तो अफ्यून किसी ने नहीं कहना। बस फिर मैनू उन्हें अलविदा किया। अच्छा जान लगे उन्हें कहा जी रस्ते च कि मौसम चेंज हो सकता है, ठंड पै जाए, बतौर मतलब इलाज के तौर पर उन्हें मैनू अफ्यून भी दी। अच्छा ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹੈਡ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੱਦਾ ਇੰਨਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਵੇਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਫਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਚਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਡੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੀਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਕੇ ਘੋੜੇ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਥੇ ਜਾਂ ਆਪਨੇ ਲੀਗਲ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਥਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਆ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਫੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਲੈ। ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹਾਦਸਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਐਸੀ ਡਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਫਾਂ, ਓਏ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਮਟਰ ਪਏ ਸਨ। ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। अच्छा बतूता साहब, आप इतनी दुनिया घूमे हैं, कभी आपको चक्कर नहीं आए? और हजा फिल्म ने डायरेक्टर अपनी फिल्म बना के पूरी कल्ला फिल्म वेख के अपने गोली मार लेना होता।
और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. Stay with us. Welcome back to Masti once again. और अब वक्त हुआ है म्यूजिक का. नहीं वैसे एक बात बताऊँ, बहुत सारा म्यूजिक सुन लिया है अब, और कितना सुनेंगे हम. Are you serious, लाला? ये स्लैंग के ऊपर कोई असर तो नहीं है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? नहीं मैंने नोट किया नासिर साहब से, आप हर गाने पे बहस करती. अच्छा नासिर साहब की ह्यूमन शील्ड हैं आप. अच्छा इतनी सी शील्ड. तीसरा पिलाई दीवार हूं मैं. तुम पता लग गया कि 500 की होता है. नासिर भाई ये बात हमारी वैसे सेपरेट थी, वो मैंने किसी और काम के लिए. मैंने लाला आपको इसी काम के लिए दिया था और वो आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं. अच्छा आप मुझसे इतने घबरा गए कि अब आपने लोग हायर करना शुरू कर दिया. नहीं हायर नहीं किया, मैं इसलिए लाले ने किया है. मुझे ज्यादा बहस करने की आदत नहीं है ना. वीना आपने मेरा दिल तोड़ा है, पता है क्यों? क्यों? आपने मुझे लोग कहा है. क्या मैं लोग हूँ? नहीं आप छोटी सी लोगी हैं. तेरे भाई साहब ना घबराओ, साढ़े शो का प्रोड्यूसर है. एक्टर ने लाफ्टर नहीं लाया, देखो ता की अशर हो गया. अस भाई की खैर है? सलाम. अल्लाह की कसम जो कहेंगे वो होएगा, कोई टेंशन ना ले. तू साडा भरा है, एडी टेंशन लेके शो दी तू. मैनू नहीं पता किदा जिक्र कर. उमरे एडा तगड़ा नशाई हो तू, देसी घ्यो दी चरस पींदा. वैसे राय साहब सही कह रहे हो, एडा तगड़ा नशाई मैं वेख्या कदे नहीं. तुहानू पता है जो बंदा पैसे देने तो बगैर चरस खो लैंदा है. मैं कह जनाब एयरपोर्ट है. ओ नहीं इस एयरपोर्ट बनाना भी ना, ये मेरा सेट है मस्तियां का. बिना ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक जहाज है. आपको पता है आपके बारे में लोग कहते हैं कि नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए. वाह वाह ये है सदाकत क्लिनिक वालों का इश्तेहार. बड़ा चिट्टा लगता है, डॉक्टर ने पट्टी खोल के सुट्टी. शो चल रहा भाई जी, इतने साडा शो मस्तियां चल रहा. क्यों नहीं बोलते, थे हो गए हूं? अरे मैं तो हर आने वाले बंदे रिस्पॉन्स देने लग पे हो. अबे क्यों आ गए हो, क्या हो गया? आप लोग रिस्पांस देते तो ये आउटसाइडर्स तो ना आते ना यहाँ पे. 40 शो तो कह रहे हैं कि पिछली कंध बनवाओ, क्यों नहीं बनवाते? क्या थोड़ा बजट नहीं हैगा? पहले किसी की मजबूरियां तो सुन लो. और तो दम तक नहीं मुकनिया. मजबूरियां बाद में सुनाना, शर्म नहीं आती? जिंदगी जैसी नेमत को बर्बाद कर रहे हो. उन बंदा आ गया तो तुसी इंज सलूक करोगे? मैं भी किसी वाले फुल सोना हूं दासा. अच्छा जी बिल्कुल नहीं, ये तो चौंकी वर्गा मूह है. बिल्कुल इस मूह तो लगता है हरिया रैसलर. बिल्कुल नहीं, ये तो बेवा बकरी वर्गा मूह. बाकी सुनील शेट्टी साहब ही बचे. इन्हों की होया तंदूर च डिग पे सर. लो जी ताडे शो च एक बंदा नहीं जिदी मैं मिसाल दे सकदा. अरे जी तुसी दसो जी, रक्षक कुमार साहब. हां जी ये हालत किवें होई तुहाडी? कारोबार दी वजह तो, पाकिस्तान दे हालातां दी वजह तो. इसके साथ किसी दोस्त ने दुश्मनी निभाई है, लोग नशे पे लगा देते. ये गल नहीं जानी लीवर दी, ये बंद रही है. कारोबार तबाही हो गई है. क्या कारोबार करते थे आप? फॉरेन एक्सचेंज दा काम कीता. अरे 240 दा डॉलर लिया. दो दिन बाद 300 दा हो गया. पौनी दौलत डूब गई मेरी. तो इसमें तो फायदा हुआ ना पागल आदमी, 60 रुपए का फायदा हुआ तुम्हारा. मुझे भी पता फायदा होया, अगले दिन फिर डिग पिया डॉलर. सीधा 210 ते आया. अच्छा ये किस दौर की बात कर रहा है? हमने तो 210 अभी तक नहीं सुना. वो तो पागल खाने हुंदा सर. मतलब आपको डॉलर ने पागल किया? डॉलर ने नहीं किया. तो किसने किया है? मैंने तो गवर्नमेंट ने पागल किया है. वो तो सबको किया, लेकिन ऐसी हालत क्यों? पिछले महीने 3000 बिल आया. अच्छा अगले महीने 7000 आ गया. अच्छी बात है ना, बेटे मेरे ख्याल तू खुशहाली चाहता ही नहीं है. हौली हौली उत्ते जा रहा है, तेरा दिमाग थले नू आ रहा है. 7000 बिल आया तो तेन कोई नुकसान होया, फायदा होया? खुश होते सदके जावा मीर घर दे मीटर अर्गा मुंह. जोश बंद ना कर, मैं तैनूं दस दियां. अच्छा तेरे कन्न ना ना लगे हुण, दूरों इंज ही लगदा ऊंट दा गोडा पे है. तू मेरे खाले अपना मुंह वेख्या नहीं हैगा. अच्छा ये बंदा हिलदा हिलदा ना दही दी लस्सी बना दिंदा. कब से नशा कर रहे हो? इन्हें बताओ इन्होंने भी करना है. आपको मुल्की हालात ने मारा तो आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना. कितने का नशा लेते हो डेली का? नगद थोड़ा लईदा. क्रेडिट कार्ड से लईदा. क्रेडिट कार्ड? हाँ
क्रेडिट कार्ड में पैसे भी हैं? ये तो पे कर दे ने घर आके दे जंदे ने अगले। बड़े डिजिटल नशाई हो तुम नासर भाई, इनको रिहैबिलिटेशन ना भेज दे। नहीं तो खुद क्यों नहीं उसको कहते सारी रिहैबिलिटेशन मेरे पे डाल दी तुमने। भाई ये नशाई तो नशा करके पुलों के नीचे फुटपाथ पे सोए रहते, किसी ने चोरी कर लिया तो? चोरी कितों होना है, पुल दे थल्ले भी ते नशाई भरा ही हुंदे ने। जे नशाई पुलिस वेख्या एड्डा तेज दौड़दा है वो पीछे बंदा बैठा है या पावा पुन के रखे है। आप क्यों इतने हैरान हो, परेशान है? माजी में तो नहीं चले गए? नहीं मैं शीशा देखे हैं, पावा पुणे वर्गी शक्ल ही है मेरी। पहले नुकसान होया कारोबार। अच्छा फिर मुड़ के इश्क हो गया। इश्क इश्क हुआ, दिल टूट गया। फैमिली होगी आपके, माँ बाप होंगे, घर बार नहीं है आपका? वीना जी मैं देखेगा कि कुछ वीडियो देखी ने कि जो लोग ये फलाई काम कर रहे हैं, कि जो लोग नशे ते लग गए ने बच्चे उन्होंने इलाज करवा रहे हैं। ओए तेरा इलाज कराइए। इलाज ना कराओ, मैं कोई रिश्ता दे। चलो ओए बेटे रिश्ता भी तेन उदो ही मिलना है जो तू सेहत याब। वैसे तो सेहत तो तेरे अन्ने वाह है। मैं इलाज कराने गया सा। अच्छा जी, दो दिन बाद डॉक्टर साहब मेरे नाल बह के पीने लग गए। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि आप जैसे नशेई जो है ना, वो पार्कों में से उनकी 350 लाशें बरामद हुई थी। सदके जावा, तेरे वर्गा बंदा तैयार होके घरों निकलन लगा, कहंदा बेगम नू आज आप कुछ भूल रही, वो थप्पड़ मार दिए, कहंदा ओके। ये नशेई कोई नहीं है, ये इतनी लंबी बात कोई कर ही नहीं सकता। खान साहब नशेई एडी लंबी गल करता है, आम बंदा तो इतनी लंबी गल कर ही नहीं सकता। इसका मतलब वहीद लाला नशेई है? नहीं नहीं वहीद लाला तो नहीं है, वहीद लाला के तो जॉब है लंबी बात करने। अब उतरे हिलन तो बगैर जरा बै। आप अग्री करें हम आपका इलाज करा देंगे। तेनु ऐसे म्यूजिक दी लोड़े। तेरे अंदर म्यूजिक जाना चाहिए था। म्यूजिक सुन के बंदा ठीक हो जाता है। हाँ जी। हाँ थोड़ी देर की डिस्ट्रैक्शन तो है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है ये। मेनू मस्तियां च काम दोगे? पुत्र तेरा इलाज करावांगे, तेनु मस्तियां च काम देंगे, क्योंकि इत्थे जेड़ा पता की है, इत्थे जिन्ने बंदे इन्हां सारयां दा इलाज करा के असीं रखे आ। And this is the end of the show. Take care of yourself. Until we meet up next, Allah Hafiz.